इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। कहते हैं कानून चाहे जितने बन जाएं, व्यवस्थाएं चाहे जितनी हो जाएं, लेकिन अगर उसको पालन न करने वाले लोग पालन न करें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसा ही एक मामला आया है आदिवासी बस्ती से। कोल समाज से महादैया रावत हैं, 58 वर्षीय बुजुर्ग हैं और उनकी बेटी मजदूरी करने जाती है और मजदूरी करने के लिए एक मिस्त्री है कोई महेंद्र बुनकर करके, उनका कहना है, और वो मजदूरी करने ले जाता है अक्सर और घर छोड़ देता है, लेकिन 15 फरवरी को उस लड़की को घर नहीं छोड़ता। सीमा रावत है, 19 वर्ष की लड़की, उसको ले जाता है बहला फुसलाकर और फिर कहाँ ले गया, क्या किया, कुछ पता नहीं चलता। लगातार क्राइम बढ़ रहे हैं, हर घंटे हर मिनट रेप बलात्कार और अपहरण जैसी घटनाएं घट रही हैं। इसके बाद भी प्रशासन कितना संजीदा है, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब हरदी निवासी महादैया रावत अपने बच्ची की रिपोर्ट करने के लिए, इस बात की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जाता है धारकुंडी पुलिस थाना, तो धारकुंडी पुलिस रिपोर्ट तो लिख लेती है गुमसुदगी, निश्चित तौर पर पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस अपनी प्रक्रिया पूरी करती है, लेकिन महादैया रावत उस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है। महादैया रावत का यह कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से जांच करना चाहिए आज तक जांच नहीं की, लड़की कहां चली गई, लड़की को बेच लिया गया कि लड़की बची हुई है, क्या है, कुछ नहीं पता। हम पुलिस के कार्यवाही पर सवाल तो नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि पुलिस को बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर मिनट हर सेकंड हर घंटे अपराध हो रहे हैं। वास्तव में सीमा रावत कहां है, उसके साथ क्या हुआ, उसका कुछ पता नहीं चला। 15 फरवरी की घटना होती है, 17 तारीख को महादैया रावत रिपोर्ट करता है, लेकिन आज लगभग 13 दिन हो गए हैं, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। बड़ा विषय यह है कि जब हम धारकुंडी थाना में वहां के थाना प्रभारी से बातचीत करते हैं, कल फोन पे बातचीत किए, तो हमें पुलिस ने बताया कि हम लगातार उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई वहां के थाना प्रभारी की कि उनका यह कहना था कि लोकेशन ट्रेस हो जाएगा तो हम जो है तो उसको पता कर लेंगे। बड़ी बात यह है कि क्या लोकेशन ट्रेस नहीं होगी तो सीमा रावत को ढूंढा नहीं जाएगा, क्या सीमा रावत नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये नहीं समझ में आई कि उनका कहना था कि हम वहां गए थे और दोनों गैर शादीशुदा, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि महेंद्र शादीशुदा है, उसके एक बच्ची है और वो शायद अपनी पहली वाली बीवी को भी अभी तलाक मिल दिया और उसको लेकर के चला गया। माना कि हो सकता है कि वो सीमा रावत खुशी से चली गई हो वहां, लेकिन बिना तलाक दिए तो शादी नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिए तो है कहां, पहले तो पता चलना चाहिए, तो पता नहीं चल रहा। इससे यह साबित होता है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिस तरह से जांच करना चाहिए, उस तरह से पुलिस ने उस मामले में संजीदगी नहीं दिखाई, वहां के किसी नेता ने उनसे मिलने तक की हिमाकत नहीं की। तो महादैया रावत लगातार परेशान है, महादैया रावत से हमने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और लगभग आधे घंटे की बातचीत में महादैया रावत और उनकी पत्नी दोनों किस तरह से दुखी थी, परेशान थे, उन्हें अपनी पूरी कथा व्यथा हमसे बताई और हम पुलिस के फिर से यही कह रहे हैं कि चूंकि पिछले दिनों भी हमने खबर चलाई थी, एसडीओपी साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ढूंढ रहे हैं लगातार और ढूंढ भी लेंगे। हम पुलिस के फिर से यही कह रहे हैं कि कार्यों में सवाल नहीं उठाना चाहते, न उठा रहे हैं, लेकिन थाना प्रभारी के जो जवाब थे, दो बातें, एक ये कि वो गैर शादीशुदा है, इसका मतलब कि आपने सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि वो शादीशुदा है, आपने कहा गैर शादीशुदा है। दूसरा उनका कहना था कि फोन बंद है, दोनों के स्विच ऑफ है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही, जैसे ही फोन ओपन होगा तो लोकेशन ट्रेस होगा, मतलब फोन ओपन नहीं होगा तो लोकेशन ट्रेस नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन कैसे किए हैं कि अभी वो गैर शादीशुदा आपने बताया, तो शायद ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए पुलिस को और घटना का पता करना चाहिए आखिर कहानी क्या है, हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ी कहानी हो, बड़ा मामला हो, क्या है सच्चाई, किस तरह से वो आता था वो व्यक्ति और किस तरह से उसको लाभ बहला फुसला करके सीमा रावत को ले जाता है, कहाँ है, क्या कहानी हुई, ये पूरी कहानी हमने महादैया रावत से खास बातचीत पे करी, आप देखें ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम हैं बिरसिंहपुर से महज 10 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा आश्रम। सिद्ध बाबा आश्रम अपने आप में सिद्ध है, पर बड़ी बात यह है कि यहाँ एक ऐसे 58 वर्षीय बुजुर्ग हैं महादैया रावत, जो पीड़ित हैं लगातार 15 तारीख से। इनका कहना है कि कोई महेंद्र बुनकर करके मिस्त्री था, इनकी बेटी जो 19 वर्षीय सीमा रावत थी उसको लेकर के जाता है मजदूरी करने के लिए, लगातार पहले से लेके जाता था और 15 तारीख को लेके जाता है और फिर उसको छोड़ने वापस नहीं आता, अक्सर लेके जाता था घर से, छोड़ देता था, पर उस दिन नहीं आया। आज उसी सीमा रावत के
माँ बाप हैं हमारे साथ, मादैया रावत हैं, लगातार परेशान हैं, लगातार हमसे चर्चा हुई और उन्होंने अपनी व्यथा बताने के लिए हमें बुलाया। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने उनको देखा कि वो किस हालात में हैं, यहाँ खेतों में रहते हैं, काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, चूँकि जो मूल निवास इनका हरदी का है। क्या कहानी है पूरी, इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या कहानी है पूरी? कहानी इसमें है पंडित जी, पहले तो आप गांव कौन सा है ये बताएं। मेरा गांव हरदी है और पंचायत लगभग मेरा हरदी पंचायत है और मेरा निवास हरदी में है और मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि उस घटना पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, क्योंकि मेरे घटना पर जब मैं इधर रहा और घटना किस दिन की थी, 15 तारीख की, 14 से 15 की, तो 15 तारीख को कोई मुझे खबर नहीं मिली है और मैं फिर 16 को मुझे खबर मिली शाम के, तो मैं रात फिर नहीं गया, फिर सुबह में गया और जब गया तो वहाँ पर खोजा मैं अपनी सीमा बच्ची को, तो मुझे नहीं मिली और वहाँ के लोग बाग कुछ छोटे मोटे बच्चे बताए कि सीमा उधर नाला के पास पुलिया में बैठी थी। तो फिर इसके बाद मुझे पता नहीं है कितने बजे की घटना है, वो कितने बजे बैठी थी वहाँ पर? वो बैठी थी करीब 8 बजे सुबह। हाँ, और इसके बाद फिर बोले कि उसका फिर पता नहीं चला 8 बजे के बाद। जब 8 बजे के बाद नहीं पता चला, फिर मैं जब इधर से गया खोजबीन किया तो वहाँ के कुछ बच्चों ने बताए कि वो 8 बजे तक यहाँ रही, 8 बजे के बाद फिर वो गायब हो गई, है ना। फिर तो जब यहाँ से जब गांव से जाती है हरदी से जी, तो आप लोगों को ये बता के गई कि मैं काम में जा रही हूँ जी, जी उसी जी। के साथ जिसका भी नाम ले रहे थे आप, किसका नाम ले रहे थे? वो महेंद्र बुनकर है, महेंद्र बुनकर के साथ काम करने जाया करती थी अक्सर, रोज की तरह अक्सर जाया करती थी। कब पता चला आपको कि वो नहीं आई या कि चली गई कहीं? ये मुझे 15 तारीख को शाम के पता चला, तो मैं फिर 16 तारीख को अपना इधर से रन किया। जब मुझे शाम को 5 बजे खबर हुई तो मैं रात के नहीं जा सका, 16 तारीख को मैं सुबह गया, बड़े सुबह, और जा करके उधर गांव में घर में अपने में सब देखा सुना अपना, और देख सुन के नहीं, और फिर लोगों से पूछा तो लोग यही बताए कि इतने समय तक 8 बजे तक वो सीमा वहाँ पर पुलिया पे बैठी थी और 8 बजे के बाद फिर वो गायब हो गई। 15 तारीख को 8 बजे सुबह। फिर जब हमने 16 तारीख को इधर से खोज में गए तो उधर मैं गांव में खोज किया इधर उधर सभी से, तो कोई पता नहीं बताया, वही बच्चे लोग कुछ बताए कि पुलिया में 8 बजे तक थी। उसी मैंने हिसाब से मुझे हो गई कि चलते हैं मिस्त्री के पास, वो चकदही का कबीर दास है, वो बुनकर महेंद्र नाम है उसका, तो वही के पास में काम जाया करती थी वो लड़की, तो मैं भी सोचा कि चलो उसके पास चलते हैं, वो कहाँ पर काम लगाया है, कहाँ पर काम में ले गया है। तो फिर मैं जब जा करके उससे वहाँ उसके गांव में गया और पूछा कि उसका घर कौन है, तो लोग बताए कि ये है उसका घर। फिर उसके घर गया तो उसकी माँ और उसका बाप घर में आए, इधर उधर थे तो आए बुलवाए, उसकी भैया उसकी भौजाई थे घर में, उन्होंने सब कोई इकट्ठा आए मेरे पास, आया करके मैंने पूछा कि आपका बेटा मिस्त्री था और मेरे यहाँ पे काम में बच्चियों को लेकर के जाया करता था, तो बताइए कल से मेरी सीमा बेटी घर नहीं आई है, आपका मिस्त्री भी कहाँ है? वो कल यहाँ से गया कि काम में जाऊँगा, लेकिन काम पर वो लेके बिटिया को नहीं गया, तो आप लोग बताइए, क्योंकि आप माँ है बाप है उसके, तो आप बताइए जासूसी, आपका नंबर है उसके पास, आपका नंबर मैंने उसका महेंद्र का नंबर आपके पास है, मेरे पास भी है, मेरे सीमा का भी नंबर मेरे पास है, तो हमने फोन लगाया, सीमा का भी फोन लगाया, महेंद्र का भी फोन लगाया, तो महेंद्र का फोन जो है तो स्विच स्टॉप हो गया, मेरे बच्ची का भी फोन स्टॉप हो गया, मैंने उनका फोन संबंधी कोई मतलब मैंने चर्चा आवाज कहीं कोई ना बता पाया। इसी तरह से मैंने फिर वहाँ सब खोज बीन करके और मुझे खूब विश्वास हो गया जब वो बताया उसका माँ बाप कि इधर मैंने 15 तारीख को वो 8 बजे काम पर जाता था, 15 तारीख को बोला कि मैं जाता हूँ काम पे। अच्छा, घर वालों से अपने बताया हुआ? घर वालों से बताया कि मैं जाता हूँ फलाने जगीरीमारी गांव में, मुझे काम लगाना है, तो 8 बजे वहाँ घर से वो निकल पड़ा। अच्छा, वो था कहाँ का व्यक्ति? वो चकदही का, सिमरिया चकदही का। अच्छा, हाँ, चकदही का। तो वो 8 बजे आया कि मैंने काम में जाएंगे, और फिर काम में वो ले गया, कहाँ ले गया मुझे पता नहीं है, और उसी का मुझे जब वहाँ पता लगा उसके माँ बाप बोले कि 8 बजे इधर से निकल रहा है सुबह, तो मैं बोला कि 8 बजे वो निकल रहा है और 8:30 बजे मेरी बच्ची गोल है,
तो इसका मुझे खूब शंका है कि वो महेंद्र बुनकर जो है उसको साथ लेके गया है। हाँ, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं तो अपने साही खूब अपने रिश्तेदारी में नातों में हर जगह खोजा ढूंढा है ना, लेकिन कहीं उसका बंदा पता नहीं चला। जब नहीं चला बंदा पता उसका, तो फिर मैं 17 या 18 तारीख को कोई मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, ठीक है, तो मैंने फिर थाने गया और थाने में जाकर, कौन से थाने में? ये आपके अमुआ थाने में, धारकुंडी थाना। हाँ, तो यहाँ पे गया और मैं सोचा कि जिसको मुझे शक है तो उसके नाम से रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसा करके मैं वहाँ पर गया और हाजिर हुआ। और फिर उन्होंने पूछे कि आपका क्या नाम है, मैं बताया महदैया रावत नाम है मेरा, मैं हरदी का निवासी हूँ, कोल हूँ, तो इस तरह से मैं आपके पास आया हूँ, मेरी बच्ची गुम गई है, गोल हो गई, तो आपके पास मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो वो बोले ठीक है ना, तो लिखे पढ़े अपना वहाँ अंदर में बुला करके मुझे, और लिख पढ़ के नहीं और कैसे कैसे लिखे वो मैं अब क्या जानता आदमी, मैं कुछ नहीं जाना कि क्या लिखे क्या नहीं लिखे। फिर वो बोले कि हम गुमशुदा की रिपोर्ट लिखते हैं, और उन्होंने अब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखे कैसा लिखे अब तो मैं तो जानता नहीं हूँ सर। अब उन्होंने बोले कि आप भी खोजिए, मैं भी हम भी लोग भी खोजेंगे। आप वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं धारकुंडी थाना के, उनसे मुलाकात हुई थी क्या, आप उनसे बातचीत किए थे क्या, उनको आप अपनी पूरी कहानी बताई? नहीं, वो प्रभारी नहीं थे, वो एक बहन जी थी, मैडम जी, बहन जी, तो वही लिखी पढ़ी थी, या एक और मैंने वही थाने वाले होंगे, मुंशी जी होंगे, तो वही दोनों ये सब लिखे पढ़े। और फिर इसके बाद में बोले कि आपका काम हो गया, हम ये मैंने आपकी हुलिया काट दिए हैं, गुमशुदा लिख दिए हैं, और हो गया आपका काम हो गया। तो मैं फिर बोला कि सर ऐसा है कि जिसको मुझे शक है जिसके ऊपर उसकी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो बोले वो लोग कि हाँ ऐसा हम नहीं लिखेंगे, जब आपकी लड़की मिलेगी तब हम रिपोर्ट लिखेंगे। हैं, तो अब हम तो खोजे इधर उधर तमाम रिश्तेदारियों में, ना रिश्तेदारों में तमाम ढूंढे खोजे, कहीं नहीं मिली है ना, अब ढूंढ भी रहे हैं, अभी भी ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, ऐसी अनेक जगहों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रही लड़की। तो मुझे ये है कि जो वो बुनकर महेंद्र बुनकर जो है ना, तो उसको मेरे पास को बहुत बड़ी शंका है कि वो ही ऐसा काम किया है मेरे साथ, मेरे इज्जत के साथ हमला बोला, वही ये सब किया। तो मुझे उसी दिन बोल रहा था कि उसके नाम रिपोर्ट लिखी है, तो उन्होंने बोले कि अब रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, जब वो मिलेगी तब लिखेंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर मेरी बच्ची नहीं मिलती है तो मेरी कोई रिपोर्ट और कोई वो नहीं लिखा जा सकता, आप बताइए सर। तो अब मैं अब ऐसे आगे अब क्या बताऊँ सर कि अब मेरे क्या साथ लगता है आपको कि महेंद्र अगर लेके जाता, चूंकि महेंद्र शादीशुदा था पहले से शादीशुदा था, आप बता रहे थे उसके बच्ची है? हाँ, एक बच्ची भी है उसके पास। तो ये कब से आता था घर लगातार, कब से कहानी है उसकी, कब से आपसे आप लोगों से वो जुड़ा हुआ है, कब से आपको बिड़िया को लेके जाता था वो मजदूरी के लिए? ये हो गया अभी 4-6 दिन पहले, जैसे अभी बसंत शुरुआत हुई है ना, बसंत, तो ये बसंत के 4-6 दिन पहले से। तो मतलब उससे परिचय पहले से था क्या? हाँ, परिचय पहले से था। कितने साल पहले से उससे परिचय था? पर चैत बैसाख से, मैंने लगभग 1 साल से परिचय। हाँ, तो वहाँ टीकर में काम चलाया करता था। अच्छा, तो वहीं से जब टीकर में काम चलाया करता था तभी वो मैंने यहाँ संपर्क बनाया, उसकी रिश्तेदारी हमारे गांव में भी थोड़ी हल्की फुल्की है। क्या लगता है वो अगर लेके गया होगा तो कहाँ ले जा सकता है आपकी बिड़िया को, क्या लगता है, चूंकि लगातार क्राइम हो रही हैं, लगातार दुनिया भर की चीजें सामने आ रही हैं? मुझे ये लगता है कि वो ले गया है और ले जा करके कहीं बहुत दूर निकल गया, और छोड़ने के उसमें नहीं है कि मैं छोड़ दूँ इस लड़की को, या तो अपने वो संघे रखा होगा, या तो फिर उसके जान माल का खतरा कर दिया होगा, मुझे ये शंका हो रही है, क्योंकि वो ऐसा बिटिया नहीं थी। वो मैंने जिस तरह लोगों ने करा और मैंने दशा मेरे साथ हुई, तो इस तरह से मेरी बच्ची मेरे को नहीं समझ में आ रही थी, तो मुझे यही शंका हो रही कि वो बच्ची को ले जा करके और कहीं गुमशुदा कर दिया, कि कहीं बेच लिया, कि कहीं मडल कर दिया, अब ये मैं क्या जान सकता हूँ। तो मैं यही बोला कि रिपोर्ट लिख लीजिए, तो रिपोर्ट मेरी नहीं लिखे हैं, और बोले आप ढूंढो, जब मिलेगी तभी मैं आपके साथ कार्यवाही करूंगा। निश्चित तौर पे गांव में रहने वाले भले महदैया रावत जो है मजदूर हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान है, उनको इतनी समझ है कि उनके बिटिया को ले जाने के बाद महेंद्र यादव अगर महेंद्र बुनकर अगर लेके जाता है
तो उससे विवाह तो नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही विवाहित है और हिंदू विवाह अधिनियम में एक विवाह के होते दूसरा विवाह हो भी नहीं सकता। उसकी बच्ची है पहले से, निश्चित तौर पे वो उन्होंने जो कहा कि उनकी बिटिया को यहाँ से अगर ले जाया गया है तो या तो उसको बेच देगा या तो कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर देगा। कोई भी स्थितियाँ हो सकती हैं, चूँकि हर मिनट हर घंटे हर पल जो है तो क्राइम हो रहा है लगातार, जो है तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों स्थितियां बनती हैं कि महिलाएं किडनैप हो रही हैं, लड़कियां किडनैप हो रही हैं, उनको बहला फुसला करके ले जाया जाता है और फिर उनको या तो मंडियों में वैश्यालयों में बेच दिया जाता है या कि फिर उनके साथ क्या स्थितियां होती हैं आए दिन खबरें आती हैं। एक बूढ़े माँ हैं, बूढ़ी माँ हैं, बूढ़े पिता हैं उनके और लगातार परेशान हैं। पुलिस थाना धारकुंडी पुलिस है, थाना धारकुंडी पुलिस को निश्चित तौर पर शक के आधार पर भी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, जाँच करनी चाहिए और उनके घर जाकर के उस महेंद्र के घर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर महेंद्र कहाँ है, क्योंकि महेंद्र भी गोल है। और वास्तव में क्या उनने रिपोर्ट की, क्या महेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई, क्या किसी थाना में हुई, क्या और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई रिपोर्ट, इसका मतलब है कि घर परिवार के जानते हैं, और क्या वास्तव में महेंद्र ने फ़ोन नहीं किया होगा, घर या परिवार के लोगों को बताया नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पर पुलिस जिस रवैये का अपनाई हुई है, मतलब जिस तरीके से मैंने ढूंढने का नाम ले रही है, हालांकि हमारी चूंकि पिछले दिनों जब हमने खबर चलाई थी तो SDOP साहब से मैसेज पे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि गुमशुदगी लिखी गई है और हम खोज कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कई बार पुलिस बताती नहीं है और ढूंढती रहती है, पुलिस अपना काम करती होती है, हम पुलिस के मामले में बिल्कुल जो है तो सवाल नहीं उठा रहे हैं उनके काम में, चूँकि वो उनका काम है, उनका व्यक्तिगत काम है, पर मुझे लगता है कि इनको आश्वासन देना चाहिए, महादैया रावत से मिलना चाहिए पुलिस को और उनको ये बताना चाहिए कि हमारी टीम काम कर रही है, हम यहाँ छापेमारी किए हैं, वहाँ की कहानी भी बताना चाहिए कि वास्तव में महेंद्र के घर आप गए कि नहीं, वहाँ आपको क्या कोई खबर नहीं मुझे आ रही, तो सारी चीज़ें पूछना चाहिए। वो कोई खबर नहीं आ रही कि कोई उधर में गया, उसकी खोज किया कि नहीं किया, वो कोई मुझे खबर नहीं आ रही। या मैं ताके बैठा हूँ कि वहाँ की कोई खबर आए कि उसके पास कोई गए ढूंढे लगाए पता कि नहीं लगाए, ये कोई खबर नहीं आ रही पंडित। तो इसीलिए मेरे को भारी शंका है कि यही खेल मेरे साथ किया है। क्या कहेंगी काकी, आप भी हैं, क्या लगता है कि हमको लगता है साहब कि हमारी बच्ची कहाँ गोल हो गई, हमारे बच्ची को ले गया वो मिस्त्री, अब हमको अब लगता है कि रिपोर्ट उसकी हम डालें उसके बाप महतारी की, मिस्त्री के, हाँ महेंद्र मिस्त्री के बाप महतारी की रिपोर्ट, महेंद्र की रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने दिन से वो घर आता था, वहाँ कौन कौन रहता था हरदी गांव में, उनके बिटिया के साथ और कौन रहता था? बिटिया के साथ काम में शिवानी गई थी 3 दिन, एक दिन भैंस बार वाली बोलती है मेहरिया गई थी, एक दिन अंकित बोलते हैं वह बेटी गई। तो ये शिवानी अंकित लोगों से जब आप पूछे तो ये लोग क्या बता रहे हैं, इनको इनको कुछ नॉलेज है क्या? ये बोलती है कि साहब कि हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानता है, क्या बोलते हैं हम नहीं जानते, अब हम क्या करें, जब जानती नहीं हो तो हम क्या करें। तो गांव में उस दिन बिटिया आपकी अकेले थी क्या हरदी में, कि और कोई था, आप थी क्या उनके साथ? हमारे परिवार लड़के हैं, जेठाऊ थे, जेठाऊ तीन पुताऊ दूठे, एक ठे नातिन ही अब बरोबर, एक ठे नाती है, इनके संगे बिटिया घर में रही थी, अकेले नहीं रही थी। अच्छा जी साहब, तो इन लोगों से यही बता के गई कि हम मजदूरी करने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रही थी जी। अब हम अब का कहें आगे सर, हम पता कुछ नहीं बोलिया भाई, क्या कहेंगी आप, आपके पुलिस अधिकारी भी चुकी बड़े पुलिस अधिकारी देखेंगे, हम इस खबर को भेजेंगे उनसे, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, थाना धारकुंडी के थाना प्रभारी भी इस खबर को शायद देखेंगे, हम उनको भी भेजेंगे, उनसे क्या कहना चाहती हैं आप मीडिया के माध्यम से? हम उनको यही कहना चाहते हैं कि हमारे साथ पैरवी करें, हमारे साथ जो है तो साथ दें और उसको खोजें, अपराधी को ढूंढें, हमारे बच्ची को भी ढूंढें, और जिस तरह से वो बच्ची चाहती हो उस तरह से अगला कार्रवाई हो, क्योंकि उसको अब शासने पुलिस द्वारा ढूंढ सकते हैं, हम तो अपने साहिब खूब ढूंढ चुके, हमको नज़र में नहीं आ रही, न तो मिल ही रही। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि शासन प्रशासन पुलिस जो है उसको खोज लगाए और खोज लगा के हमको सूचना दे, हम भी खोज रहे तमाम नात रिश्तेदारी में लेकिन हमको कहीं नहीं मिल रही न दिख रही। तो मेरा यही निवेदन है, यही विनती है कर्मचारियों से पुलिस वालों से कि मेरी बच्ची को खोज लगाएं, पता लगाएं, और जहां जैसा हुआ है इन्हीं गांव से और आने गांव से जहां का वो बुनकर मिस्त्री है, तो
तो वहाँ पर लोग जाएं और उसका पता लगाएं, तो मुझे तो ये शंका हो रही कि गए नहीं हैं हमारे कर्मचारी लोग। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारी जो हैं अमुआ थाना के, तो वो उसका पता लगाएं, उसको ढूंढें और हमको भी बताएं कि हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, हम यहाँ पर गए ढूंढे और कोई पता नहीं बता रहे। तो मेरा निवेदन है कि उसके गांव जाएं और मेरे गांव भी जाएं और थोड़ा बहुत जासूसी लें कि कहाँ से लड़की, कौन लड़का लड़की देखी, कितने समय गुम हुई, कैसे हुई। तो कर्मचारियों को, पुलिस वालों को तो ये होता है कि वहाँ पर जाके थोड़ा बहुत मौका देखने चाहिए, वहाँ पर लोगों से कुछ ना कुछ बात पूछनी चाहिए। फिर अगर नहीं होता है तो जहाँ पर मैं बोला हूँ कि चकदही में ये महेंद्र बुनकर जो काम में ले जाया करता था, तो उसको जो है तो भाई बताओ, तो उसके माँ बाप बताए कि भाई इधर में 15 तारीख को 8 बजे ये काम में गया है और 15 तारीख को गोल हुई है। तो फिर इसके बाद में उसके माँ बाप बोले कि उसको जो है अगर आप पा जाओ तो मार दो गोली। तो हमने बोला कि सर हमारा गोली मारने का पावर नहीं है, आप खोज लाओ मेरी बच्ची को, खोज लाओ, कहीं भी हो तो आपके पास, आप माँ बाप हो तो उसका नंबर आपका लग जाएगा, आपका नंबर उठा लेगा, मेरा नहीं उठा रहा तो आपको उठाएगा। तो उन्होंने बोला कि हमारा भी नंबर नहीं उठाते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं। तो हम बोला कि हाँ बात सही है, मोबाइल स्विच ऑफ है दोनों का, बच्ची का भी और वो महेंद्र बुनकर का भी, तो मोबाइल बिल्कुल स्विच ऑफ है। आज मैंने 15 तारीख की बात है, आज 27 तारीख है, कोई मुझे जासूसी नहीं मिल रही है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा यही आग्रह है, निवेदन है कि पुलिस और अधिकारी जो हैं तो इस बात को गौर करें और ध्यान करें मेरे आप साथ। किसी नेता के पास गए हैं क्या, किसी नेता को अपनी कहानी बताई है क्या, यहाँ के क्षेत्र के नेता को, विधायक को या कि पूर्व विधायक को या कि यहाँ जो भी नेता राजनीति कर रहा, किसी से आपने बताई क्या बात अपनी? हाँ थोड़ी बात मैंने बताई ही, जो हमारे यहाँ के सिलौरा पंचायत में वो कौन से अधिकारी थे वो अभी पिछले में, वो शांति भूषण पांडे, तो उनको पास मैंने गया और करीब 18-19-20-22 तारीख को एयरफेयर में, तो उन्होंने बोले कि ठीक है, ये हुआ था बहुत बड़ा गलत हुआ फलाने बाबा जी, लेकिन इस बात को चलो हम थाने में उनको बोलते हैं तो इस बात को खोजेंगे ढूंढेंगे। इतनी बात उन्होंने, नेताजी ने, शांति भूषण पांडे ने बोला है मेरे से, लेकिन कोई खबर नहीं मिले, फिर दोबारा नहीं मिले हैं, हम भी नहीं गए और नेताजी भी गए हों ना गए हों उसको भी मैं अब नहीं बता सकता हूँ। 12 दिन हो गए महादैया रावत की लड़की को गुम हुए, अभी किसी नेता की लड़की घूमी होती या कि फिर किसी बड़े अधिकारी की लड़की घूमी होती तो शायद 12 दिन में पता नहीं क्या हो गया हो, क्या हो गया, पाताल में भी अगर वो होती तो शायद उसको ढूंढ लाते, उसको लेके जाने वाला कौन था पता कर ली होती। पर ना तो पुलिस उस स्तर से काम कर रही है मुझे लगता है जिस स्तर से करना चाहिए, और न ही कोई नेता जानकारी होने के बाद भी आज तक महादैया रावत से मिलने आए। चुनाव होता तो वोट मांगने के लिए चले जाते अपनी राजनीतिक रोटरी के लिए, लेकिन क्षेत्र में बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने वाले नेता का न तो कहीं पता चला और ना ही वो महादैया रावत के साथ खड़े हुए हैं। महेंद्र को पता करना चाहिए पुलिस को, और वो कहाँ है, किस स्तर पर है, क्या कर रहा है, वास्तव में लेके गया है उसको और कहाँ रखा है, अभी उसको रखा है या बेच दिया, क्योंकि लगातार क्राइम होते हैं और होती ही है ये कहानियां और लगातार ऐसी खबरें लगातार आती हैं। मुझे लगता है क्राइम ना हो, कोई बड़ी घटना ना हो, इसके लिए जो है तो सतर्कता से पुलिस को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और सबसे पहले तो महेंद्र को उठाना चाहिए अगर इनको शक है और लगातार कह रहे हैं, चूंकि वो भी गोल है तो सारी कहानी पता चल जाएगी। माना कि लड़की अपने बालिक है, 19 वर्ष की है, और फिर भी अगर वो गई है अपने मन से भी अगर गई है तो एक बार उनको उनके पिता को सपोर्ट करना चाहिए, और इसके बाद अगर वो रहना चाहती है उसके साथ तो पहले महेंद्र को तलाक होना चाहिए, क्योंकि महेंद्र पहले से ही शादीशुदा है, सारे नियमों को मान करके आगे कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी स्थितियां क्या हैं, वास्तव में वो कहाँ है, क्यों है, किसके साथ गई है, ये कहानी हम कन्फर्म नहीं करते, चूंकि बाबा जी ने जो कहा हमने बाबा जी की बात बताई। निश्चित तौर पर परेशान है क्योंकि एक आदिवासी समाज के हैं, कोल हैं, उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा सिस्टम की जानकारी नहीं है, सिस्टम के बारे में नहीं जानते, शायद यही कारण है कि आज वो परेशान है। और 12 दिन हो गए, अभी देखते हैं कि कितने दिन तक और उनको परेशानी सहना पड़ेगा, कितने दिन परेशान रहेंगे, वास्तव में इनकी बिटिया का पता चलता है या फिर बहुत सारी बिटियों की तरह उसकी भी एक कहानी बाद में चैनलों में और अखबारों में छपेगी। हम फिर से मिलेंगे, फिर से बातचीत करेंगे बाबा से, तब तक के लिए।
धन्यवाद।